आइए बनाते हैं हम अनानास पनीर टिक्का। इसके लिए हम सबसे पहले शिमला मिर्च और अनानास को काट लेते हैं डाइसेस में। हम इसका एक स्लाइस निकालेंगे, थोड़ा सीधा करके इसको जो हमारा पनीर है उससे थोड़ा छोटा काटेंगे। मेरे पास कुछ पनीर के इस तरह के डाइसेस हैं, इससे हमने थोड़ा छोटा ही रखना है हमारी सब्जियों को और अनानास को, तो ये साइज हम रखेंगे। तो आइए बाकी की शिमला मिर्च को भी हम डाइसेस में काट लेते हैं। मैं इसमें तीनों रंग की शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो सिर्फ हरी शिमला मिर्च भी ले सकते हैं और बाकी टमाटर प्याज इन सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए वही कलर कॉम्बिनेशन आप भी दे सकते हैं। हम बना रहे हैं आज अनानास और पनीर टिक्का। तो मैं काट रहा था कैप्सिकम, और इसको काटने के बाद अब बारी आती है अनानास को काटने की। साइड में रख लेते हैं अनानास के इस तरह के स्लाइसेस को। तो कटिंग तो सब्जियों की हो चुकी है और अब बारी आती है पनीर को मैरिनेट करने की। तो जो पनीर के डाइसेस हमने काटे हुए हैं इसके ऊपर हम थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक, इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है वो सभी पीसेस पर लग जाए अच्छे से। इस तरह से सभी पीसेस को कोट करते हुए जिंजर गार्लिक की पेस्ट से और नमक से। आप चाहें तो इस समय इसमें पीली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यदि आपको पीली मिर्च मिल जाए, पर इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं मैरिनेट होने के लिए। एक बड़े बॉल में हम बनाते हैं मैरिनेशन, जिसको हम फाइनली मैरिनेट करेंगे इन सब्जियों को और पनीर को। उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले हंग कर्ड, यानी कि दही, जिसको हमने रात भर मलमल के कपड़े में मसलिन क्लॉथ में टांग के रखा। इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाता है। उसके बाद इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैरिनेट बनाने के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे हंग कर्ड में रेड चिली पेस्ट। आप चाहें तो जो देगी मिर्च होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपके पास पीली मिर्च का पाउडर हो तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम थोड़ा सा पीली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे इसमें। ये काफ़ी तीखापन देता है। पीली मिर्च के बाद आइए इसमें डालते हैं हम अदरक और लहसुन की पेस्ट, लगभग एक बड़ा चम्मच। इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला। नींबू का रस, नींबू का रस डालने के बाद आइए इसको एक बारी हम मिला लेते हैं। इसको मिलाने के बाद इसमें हम भुने हुए चने का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें बेसन को भी भून के डाल सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 चम्मच इसमें डल जाएंगे ताकि ये मिक्सचर में जितना भी मॉइस्चर है वो ये सोक कर ले और इसकी जो बाइंडिंग है फिर वो अच्छे से आती है पनीर के ऊपर। और अब बारी आती है इसमें नमक डालने की। ये ध्यान में रखते हुए कि नमक हमने पहली मैरिनेशन में भी डाला था, इसलिए नमक की जो मात्रा है उसको हमने संतुलित करते हुए, बैलेंस करते हुए डालना है। और अब बारी आती है इसमें ये सब्जियां और पनीर डालने की। तो पहले इन सब्जियों को डाल लेते हैं। अब इसमें ये पनीर डालेंगे जिसको हमने पहले अदरक लहसुन की पेस्ट और नमक के साथ मैरिनेट करके रखा था। अब इसको डेलिकेटली, ताकि ये टूटे ना, क्रम्बल ना हो, हम इस मैरिनेशन में एक बारी डिप कर लेंगे। इसको हम मैरिनेट करके लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब इसको टॉस कर लेंगे। और मैरिनेट करने के बाद अब आइए इसको हम पिरोते हैं साटे स्टिक्स में। इस रेसिपी में अगर आप प्याज को डालना चाहें, यदि आप प्याज खाते हैं तो इसमें आप प्याज भी इसी तरह से डाइस करके डाल सकते हैं। हम भी एक प्याज को इसके अंदर डाल लेंगे ऐसे। इस प्याज को इस तरह से खोल लेंगे हम।
और इसको पिरोते समय इसका इस्तेमाल हम करेंगे। आइए अब पिरोते हैं। सबसे पहले हम नीचे एक प्याज लेंगे इस तरह से, और प्याज के बाद इसमें हम डालेंगे अनानास, हरी शिमला मिर्च, उसके बाद लाल शिमला मिर्च, और उसी तरह से इसमें पीली शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इन सब्जियों और फल को पिरोने के बाद अब बारी आती है इसमें पनीर लगाने की। इसमें लगाएंगे पनीर, और फिर से इसी तरह से हम पहले प्याज, उसके बाद अनानास, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, प्रोसेस को बिल्कुल रिपीट करते हुए पीली शिमला मिर्च और एक पनीर का पीस, इस तरह से हम इसको बना के रख लेंगे एक प्लेट में। आइए इसी तरह से हम बाकी की जो हमारी साटे स्टिक्स हैं उनमें पिरो लेते हैं इन सब्जियों को। आप चाहें तो इतनी तैयारी करके इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, और मेहमान आने से 5 मिनट पहले आप इसको पका सकते हैं, जैसे कि अब हम पकाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें लेंगे हम थोड़ा सा तेल। आप चाहें तो इसको तंदूर में या ओवन में भी पका सकते हैं। तो आइए इसको हम अब एक पैन में सेक लेते हैं। और इसी तरह से इसको घुमाते हुए हम चारों तरफ से सेक लेंगे जब तक कि इसका रंग जो है इस तरह से सुनहरी हो जाए। और इस तरह से इसको चारों तरफ पकाने के बाद अब बारी आती है इसको निकाल लेने की एक प्लेट में। इनको हम निकाल लेते हैं।